आपने, ये फुल वाटरप्रूफ मेकअप है। मेरे से बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप ऑयली स्किन के लिए वाटरप्रूफ मेकअप दिखाइए, तो मैंने आज वाटरप्रूफ आपको फुल वाटरप्रूफ मेकअप दिखाया है। और ये जो फिटमी का फाउंडेशन है ये फुल कवरेज है, फुल वाटरप्रूफ है। अगर आप उसको चेक करना चाहती हैं, किसी भी वाटरप्रूफ प्रोडक्ट को अगर आप चेक करना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो है आप अपने यहाँ पर लगा लीजिए थोड़ा सा इस तरह से, जैसे देखिए मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है। और इसके ऊपर ऐसे आप पानी डालिए, देखिए ये देखिए पानी मेरा सारा बह जा रहा है, मेकअप मेरा वैसे का वैसे है। तो इस तरह से आप वाटरप्रूफ मेकअप को चेक कर सकती हैं। ये 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको ऐसे ही रखता है, मेकअप ख़राब नहीं होता। मैंने लाइनर, मस्करा और आई शैडो सब कुछ वाटरप्रूफ लगाया है। लिपस्टिक भी मैंने मैट लगाई है, सेट होने वाली लगाई है, थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। इसी तरह ऑल ओवर मेकअप मेरा इसी तरह का है, जो एकदम भी पसीना नहीं करेगा। इस चिपचिपी गर्मी में भी आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगा और आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं बहेगा। तो आप मैबलिन का प्रोडक्ट जरूर ट्राई करिएगा, मैबलिन बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और दोस्तों ये कह देने से कि वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, सब वाटरप्रूफ नहीं होता, लीक देने से नहीं होता है। अब ब्रांड पे आप जाएंगे तभी आपको वाटरप्रूफ मेकअप मिलेगा। जैसे आप लैक्मे ले लीजिए, कलर वाल ले लीजिए, ब्लू हेवन ले लीजिए, मैबलिन ले लीजिए, मेकअप स्टूडियो ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, और भी बहुत सारा ऐसा आता है जिसमें कि वाटरप्रूफ प्योर वाटरप्रूफ मेकअप वो होता है, वो कॉस्टली भी होता है। कभी आपको 150-200 में वाटरप्रूफ लाइनर नहीं मिलेगा, हमेशा 300-250-350-400 ही मिलेगा। ये आपके ऊपर है, इस मौसम में आपको हमेशा यही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो मैंने बताया है। साइनर भी आप चिपचिपा वाला बिल्कुल ना यूज करें। आपके पास अगर इस तरह का पैलेट है जैसा मेरा है, तो आपके पास हमेशा एक लाइट कलर का रहता है, जैसा कि आपने देखा मैंने साइनर के लिए इसको यूज किया। ये देखिए बहुत ही अच्छा साइन है इसमें, तो ये पूरे ऑल ओवर फेस पे मैंने लगाया है। जो मैं स्माइल करूंगी, कितना ज़्यादा साइन कर रहा है, और जैसे जैसे देर होगा 1 घंटे बाद मेरा मेकअप और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा साइन करेगा। और हेयर स्टाइल जो मैंने बनाया है ये गर्मी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मौसम बहुत अजीब है। तो आप कुछ भी करना चाहें अपने बाल का कर सकती हैं, मेरा बहुत सारा वीडियो देख सकती हैं जहाँ मैंने और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल डाले हैं। वहाँ आप कुछ भी, लड़कियाँ तो आजकल बाल खुला ही पसंद करती हैं, तो लड़कियाँ बाल खुला रख सकती हैं, लेडीज़ कोई भी जूला बना सकती हैं, नीचे भी बना सकती हैं, क्योंकि मैंने गाउन पहना है और गाउन में ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, शोभा देता है, तो मैंने इसीलिए ये स्टाइल बनाया। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी हेयर स्टाइल बनाना चाहें बना सकती हैं। और आप यही मेकअप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा। दोस्तों ऐसा है, आज मैं आपके संग आई हूँ अपना एक मेकअप शेयर करने। आपको पता ही है कि हमारा 1 तारीख को हमारे मुस्लिम भाई बहनों का त्यौहार ईद है, जिसको हम लोग भी अच्छे से मनाते हैं। ये बकरीद है, ईद के बाद का पड़ने वाला त्यौहार है, और इसमें जो है कुर्बानी दी जाती है अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए, कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हम सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। हमारे सारे मुस्लिम बहन और भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई। तो आप ये फेयर कलर के लिए यूज कर सकती हैं, और ये अपने, अगर आप सावली हैं तो आप ये कलर यूज कर सकती हैं। तो देखिए मैं इसी का जो है ये फिटमी का ही ये फाउंडेशन यूज करूँगी। इसके अलावा लाइनर मस्करा भी मैं इसी का यूज करने जा रही हूँ। इसका ही मैं ये साइनर लाइनर यूज करूँगी। इसका ही मैं साइनर फेस साइनर जो होता है वो भी यूज करूँगी। तो आज मैं इसी से अपना मेकअप करने जा रही हूँ। आप मेकअप को ध्यान से देखिए, बहुत कम सामानों से होगा। गर्मी बहुत है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा आइस लगा लीजिएगा अपने चेहरे पर, जैसे कि मैंने लगा लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं टोनर करूँगी, उसके बाद नंबर वाइज आप देखते जाइएगा कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टोनर किया है। टोनर जो है मैंने एप्लॉम का यूज किया है, जिसमें लेमन है और गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैंने 330 का, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जो मेरे अंडर आई प्रॉब्लम को, मैं फाउंडेशन से ही कर रही हूँ और इसको कंसीलर की तरह यूज कर रही हूँ मैं अपने अंडर आई और ऊपर में, क्योंकि मेरे थोड़े से आँख के नीचे मेरे डार्क सर्कल हैं, तो इसको मैं कंसीलर की तरह यूज कर रही हूँ। थोड़ी देर रुकना होगा इसको लगाकर, उसके बाद मैं अपना दूसरा फाउंडेशन यूज करूँगी। दूसरा फाउंडेशन मेरा 220 है और ये फेयर कलर पे जाता है। और अब मैं दूसरा फाउंडेशन लगाऊँगी। लगाने का तरीका आप देख लीजिए।
हम मिक्स करते हैं इसलिए कि इससे हमारा फाउंडेशन अच्छे से हमारे चेहरे पर ग्लो करता है। मिक्स किए बिना ना लगाएं, मिक्स ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हम डीप डीप करके अच्छे से अपने फेस पे पूरा, जैसे ही मैंने लगाया आप देख रहे हैं पूरा कवर हो। इसके ऊपर मैं अपना लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, फिटमी का ये भी है, मैबलिन का। कर रही हूँ ये हमारे मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है, तो ज़रूर ज़रूर यूज करना चाहिए आपको ये लूज पाउडर, फेस पाउडर। इसके बाद मैं अपने आईब्रो को सेट करूँगी। मैं पेंसिल से कर रही हूँ, आप चाहे तो आपके आई शेडो पैलेट में ब्लैक कलर है उससे भी आप यूज कर सकती हैं। वैसे मैंने हमेशा जो है अपना सेट आईब्रो पेंसिल से ही किया है, तो मैं अपना, मेरा हाथ सेट है दोस्तों, इसलिए मैं अपना आईब्रो पेंसिल ही यूज कर रही हूँ। जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं अपने आईब्रो पे। इसके बाद हम नाक का मेकअप करेंगे, जो मैं डार्क ब्राउन कलर का यूज कर रही हूँ। मैंने अपने नाक को थोड़ा सा शेप किया है, इससे हमारा चेहरा और ज़्यादा सुंदर लगता है, हाईलाइट एरिया सामने दिखता है। चौड़ी नाक को आप पतला कर सकते हैं, मेरी चौड़ी नाक है इसलिए मैं थोड़ा सा ये मेकअप करती हूँ अपने नाक पर। अब आई शेडो पैलेट में से मैं डार्क कलर यूज कर रही हूँ, जो ब्लैक और सिल्वर का कलर है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने गाउन ब्लैक और सिल्वर ही पहना है, तो इसलिए मैं उस पर आई शेडो भी यही यूज कर रही हूँ। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी कलर का आई शेडो यूज कर सकते हैं, और इसको हमें शेप में लेना होता है। तो एक शेप आप देख रहे हैं कि मैं अपने आईलिड के ऊपर एक शेप बना रही हूँ, लाइट डार्क आप जो चाहे कर सकते हैं। और पाउडर बेस आईशैडो ही मैं यूज कर रही हूँ। आपसे भी मैंने कहा है कि आप पाउडर बेस ही प्रोडक्ट यूज करिए इस मौसम में खासकर। हाईलाइट एरिया में मैं लाइट कलर का गोल्डन और कॉपर यूज कर रही हूँ। ये हमारा हाईलाइट एरिया होता है, यहाँ हमको लाइट कलर का ही हमेशा यूज करना चाहिए। साइड में हमेशा हमें लाइट कलर देना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा लाइट कलर लगाया है। और अब मैं मैबलिन का ही लाइनर यूज कर रही हूँ, जो वाटरप्रूफ लाइनर है, बहुत ही अच्छा लगता है ये, बहुत देर तक रहता है। इसके बाद मैं मस्करा यूज करूँगी। लाइनर पतला मोटा जो आपको शेप पसंद हो आप कर सकते हैं। ये है के लिए, आईलेसेस लॉन्ग करने के लिए हमने जो है मस्करा यूज किया है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने लेसेस नहीं लगाया है, तो इसीलिए मैं मस्करा ऐसा यूज कर रही हूँ जिससे मेरा लेसेस जो है वो काफी लॉन्ग दिखेगा। अगर आपको नकली आईलेसेस लगाना है तो आप लगा सकते हो। और लास्ट में मैं एक बार वाइड फिर से अपना टचअप कर रही हूँ, जो आखिरी में आपको करना चाहिए। लूज पाउडर के साथ मैंने टचअप किया है, और बाकी का प्रोसेस मैं इसके बाद करूँगी। अब हम ब्लशर लगाएंगे। स्माइल करके चिक बोन पे ब्लशर लगाना चाहिए। स्माइल करिए, जो उभरा हुआ है हिस्सा आपका है ऊपर से नीचे की तरफ ब्लशर लगाना चाहिए, और उसको मिक्स कर लेना चाहिए अच्छे से। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, जिसको मैं लिप लाइनर करूँगी सबसे पहले। इसके बाद मैंने जो है जेल लगाया था, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। शेप बनाना ज़रूरी होता है, इससे मैं लिपस्टिक सुंदर लगती है। इसके बाद मैंने एक लिप लाइनर लगाया है, और अब उसके बाद मैं लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे लिपस्टिक का कलर बिल्कुल रानी कलर का है, मर्जेंटा टाइप का कलर है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं
काजल दे रही हूँ। काजल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आई शैडो पैलेट में से ब्लैक कलर से ही नीचे काजल दे रही हूँ। और ये मेरा हाईलाइट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यही हाईलाइट को हम कॉर्नर में थोड़ा सा लगाते हैं, इससे हमारी आँख उभरी और बड़ी दिखती है। और यही हाईलाइट को मैं अब हाईलाइट की तरह यूज करूंगी, लाइट कलर को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें गोल्डन कॉपर दोनों कलर है। और अलग से मैंने कोई हाईलाइट नहीं यूज किया, मैंने रखा था लगाने के लिए, लेकिन मैंने जब देखा कि खुद इतना सुंदर ये कलर आ रहा है, तो देखिए कितना अच्छा हाईलाइट ये हमारे चेहरे पर कर रहा है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और एक डेढ़ घंटे बाद ये और ज़्यादा अच्छा सा हाईलाइट करेगा। हाईलाइट एरिया है जहाँ मैंने हाईलाइट लगा लिया है, देखिए स्माइल कर में कितना खूबसूरत सा हाईलाइट आ रहा है चेहरे पर मेरे। और अब मैं लास्ट में मैक ग्लो का स्प्रे कर रही हूँ, जो कि आपको इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ग्लो करे, क्योंकि हमने पाउडर बेस इस्तेमाल किया। और ये मैंने आगे पफ बनाकर पीछे एक जूड़ा का वो रोल लगाया था, स्टफिंग लगाया था, बस ये देखिए बड़े साइज का स्टफिंग। उसके बाद इसके ऊपर मैं स्विच लगा दूंगी और बहुत झटपट बनने वाला ही हेयर स्टाइल है। आप मेरे हेयर स्टाइल वीडियो में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ये देखिए। बस इसके ऊपर आपको लपेटते जाना है एक पिन की मदद से, बहुत जल्दी से ये हेयर स्टाइल बन जाता है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इससे आपका बाल जो है शोल्डर से टच नहीं होता और हमें गर्मी नहीं लगती। ये देखिए बहुत जल्दी से ये हेयर स्टाइल आप कैरी कर सकते हैं, देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि 5 मिनट में हेयर स्टाइल बन गया था मेरा। यही मेकअप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरा ये मेकअप कैसा लगा। चलिए तब जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के संग ईद मनाइए। हैप्पी बकरीद, बाय बाय।